सभी खबरों से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खबरी चौखट को, और किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम रखते हैं चप्पे चप्पे पर नजर। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जनपद में बागेश्वर धाम प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर आपत्तिजनक पोस्ट करना एक अधिवक्ता को भारी पड़ गया। आपत्तिजनक पोस्ट से नाराज हिंदू संगठन के लोगों ने नाराजगी जताते हुए आरोपी अधिवक्ता पर कार्यवाही को लेकर पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने मामले की जाँच पड़ताल करते हुए आरोपी अधिवक्ता अक्रम शेख को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया। बता दें कि अधिवक्ता अक्रम शेख ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की एक आपत्तिजनक फोटो एडिट कर उसे फेसबुक पर पोस्ट किया था। इस पोस्ट की जानकारी क्षेत्र के समाज सेवी विजय हिंदुस्तानी ने देखा, जिसके बाद आरोपी अधिवक्ता के खिलाफ हैदरगढ़ कोतवाली पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में अधिवक्ता को गिरफ्तार किया। आरोपी अधिवक्ता अक्रम शेख हैदरगढ़ कोतवाली क्षेत्र के श्री कृष्णपुर मजरे बहुता गांव का रहने वाला है। मंगलवार को अधिवक्ता अक्रम शेख ने बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की एडिट की गई आपत्तिजनक फोटो को अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट कर दिया, जिसे समाज सेवी विजय हिंदुस्तानी ने देखकर अधिवक्ता के विरुद्ध कोतवाली हैदरगढ़ पुलिस को हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए आरोपी अधिवक्ता को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पुलिस हिरासत में आने के बाद अधिवक्ता ने वकील संगठन से मदद मांगी, जिस पर आरोपी अधिवक्ता से वकील संगठन ने किनारा कर लिया। हैदरगढ़ तहसील बार के वकीलों ने कहा कि धर्म व महात्मा के खिलाफ गलत टिप्पणी करने वालों का हम लोग साथ नहीं देंगे, चाहे वह कोई भी क्यों न हो। खबरें चौखट की रिपोर्ट।